एक महिला कमीशन के चेयरपर्सन का बिठाई, क्योंकि राष्ट्र में जहां कहीं पे भी महिलाओं को जो भी दिक्कत हो रहा है, महिला कमीशन एक प्लेटफॉर्म रहता है, वो प्लेटफॉर्म में आके वो लोग बात कर सकते हैं, वहां पे उनका जो भी है वो किला शिकवा जो भी है वहां पे हम लोग बात कर सकते हैं। अब वो हक भी हमसे न छीने, अभी भी हम लोग आपको ये बोल रहे हैं, हमने इससे पहले चीफ सेक्रेटरी जी से बात करा, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, गवर्नर जी को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, और अपना जो अमरवीर दसुखम था वहां पे भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, और जो हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो दिलाया महिलाओं को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उनके जो प्रतिमा के पास भी जाके हम लोग यही आज एक मेमोरेंडम दिए सर, क्योंकि ये जो वहां पे ऊपर गवर्नेंस में जो बैठे हैं लोग, उन लोगों के कान बहरे हो गए, हम लोग कितना भी चिल्लाए उन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए हम आज जाके वहां पे गए तो वहां पे पूरा पुलिस को मेहरा कर दिए कि हम तो कोई डाकू नहीं है, हम तो किसी का मर्डर नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, हमारा जो हक है हम वो हक के लिए आज के तारीख में फाइट कर रहे हैं। और अभी भी हम लोग केसीआर जी को एक ही बात बोल रहे हैं सर, अक्टूबर 2 से पहले महिला कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, अभी तक बहुत लेट हो गया, और लेट ना करें, क्योंकि अगर आप अक्टूबर 2 तक अगर नहीं आप अनाउंस करेंगे तो हमारा ये जो फाइट है वो और सीरियस हो जाएगा, और हम ये चीज को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा हक आप हमसे नहीं छीन सकते। आपके नाम को प्रोफेसर ज्योत्सना, तेलंगाना तेलुगु महिला स्टेट प्रेसिडेंट।